हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरों में। यदि आप आईटी या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे वेस्ट वाटर एंड इरीगेशन इंजीनियरिंग। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमने क्या लिखा है और आपको इसका सेक्शन ड्रॉ करके दिखाएंगे किस प्रकार से बनाया जाता है। क्वेश्चन है, ड्रॉ द एक्स सेक्शन एंड स्टोन वेयर पाइप इन केस इन पीसीसी 1:4:8 का रेशियो दिया है पीसीसी का, जिस पीसीसी में हमने स्टोन वेयर पाइप बनाया है। ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी आपको डायग्राम भी दे देता है और कुछ नहीं डिटेल देता, होल डिटेल आपको एज्यूम करनी पड़ती है। अब देखो, हमने डिटेल एज्यूम की है। मैंने लिया है डाया ऑफ स्टोन SW लिख दिया, स्टोन पाइप 200 mm, थिकनेस ऑफ स्टोन वेयर पाइप 20 mm, थिकनेस ऑफ सॉकेट 20 mm, विड्थ ऑफ बेस 530 mm। ठीक है, ये इसकी बेस की विड्थ दी है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्केल एज्यूम करते हैं। स्केल मैं स्केल एज्यूम कर लेता हूँ 1:5 की। 1:5 की स्केल लेने के बाद मैंने 530 को डिवाइड किया 5 से, तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। मैंने लिया 530 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 530 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, मेरे पास आया 106 mm, या मैं इसको बोल सकता हूँ 10.6 cm। ठीक है, क्या बोल सकता हूँ, 10.6 cm। तो स्केल को 0 पर सेट कीजिए और 10.6 cm यहाँ पर आपको क्या लेना है, 10.6 cm, 10.6 cm मैंने लिया पूरा का पूरा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से मैंने 10.6 cm लिया और इस लाइन को इस ऊपर की ओर ड्रॉ किया और इधर से भी इसको ऊपर की ओर ड्रॉ किया। इसकी अभी कोई लेंथ नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो स्टोन SW पाइप है, स्टोन वेयर पाइप है, स्टोन वेयर पाइप बेस से 100 mm, बेस से 100 mm ऊपर रखा जाता है। अब देखो, बेस से आपको कितना लेना है, 100 mm। 100 mm का मतलब कितना होगा, 5 से आपने इसको डिवाइड किया, 5 × 10 20 mm, 20 mm मतलब 2 cm। तो 2 cm ऊपर आपको जाना है, कितना गए, 2 cm ऊपर, 2 cm ऊपर मैंने पॉइंट लगाया। अब ये जो पॉइंट लगाया है, मैं क्या करूँगा, ये जो यहाँ पर है, नीचे बेस लाइन थी, नीचे क्या थी, बेस लाइन। अब इसका मैंने क्या किया, इसका मैंने क्या किया, हाफ किया, यहाँ पर इसका मैंने हाफ किया और यहाँ से एक सेंटर लाइन, एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ऐसे एक सेंटर लाइन ड्रॉ की। ये सेंटर लाइन क्यों ड्रॉ कराओ, क्योंकि मुझे स्टोन वेयर पाइप का क्या चाहिए, स्टोन वेयर पाइप का क्या चाहिए, मुझे सेंटर चाहिए। अब देखो सेंटर कैसे मिलेगा, सेंटर में बता देता हूं आपको किस तरीके से सेंटर मिलेगा। अब देखिए, जो स्टोन वेयर पाइप होगा नीचे से 100 mm ऊपर होगा। ठीक है, 100 mm, 100 प्लस इसमें आप सॉकेट की थिकनेस ऐड करेंगे 20 mm, प्लस इसमें आप किसकी, स्टोन वेयर पाइप की थिकनेस ऐड करोगे 20 mm। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 140 mm। ठीक है, 140 प्लस इसमें कर दीजिए रेडियस ऐड, डाया कितना है, डाया कितना है आपका 200 mm, इसमें रेडियस ऐड कर दीजिए, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपका कितना हो जाएगा 100 mm, तो आपने 100 mm और ऐड किया इसमें, तो आपके पास कितना हो गया 240 mm, कितना आ गया 240 mm। अब नीचे से 240 mm पर आपका क्या है, किसका, स्टोन वेयर पाइप का सेंटर है। कैसे, अब देखिए मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, बेस से 100 mm ऊपर आपका क्या होगा, स्टोन वेयर पाइप। ठीक है, वो ऐड किया, उसमें थिकनेस ऑफ सॉकेट, सॉकेट की थिकनेस ऐड की और फिर उसमें स्टोन वेयर पाइप की थिकनेस ऐड की। ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब रेडियस, डाया कितना है 200 mm, अब रेडियस ले लेना है, रेडियस हमने लिया 100 mm, तो 100 mm इसमें ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 240। अब 240 को आपने डिवाइड किया 5 से, आपने डिवाइड किया 5 से 240 को, तो हमने लिया 240 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 48 mm, यानी कि 4.8 cm, 4.8 सेंटीमीटर मैंने लिया ऊपर। ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर मैंने ऊपर लिया।
अब यहां से देखिए, अब यहां से 4.8 सेंटीमीटर ऊपर लीजिए, 4.8 सेंटीमीटर हमने ऊपर लिया और ये मिल गया मुझे सेंटर पॉइंट, ये मुझे क्या मिल गया सेंटर। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, स्केल को रखना है यहां पर और 100 mm का क्या लेना है रेडियस, 100 mm का रेडियस लेना है। 100 mm को मैंने डिवाइड किया 5 से तो मेरे पास आया 20 mm, और 20 mm को मैं लिख सकता हूँ 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का आपने क्या लिया रेडियस लिया, 2 सेंटीमीटर का आपने रेडियस लिया। कैसे, स्केल को यहां पर लीजिए और इसमें 2 सेंटीमीटर का रेडियस भर लीजिए, 2 सेंटीमीटर यहां से लेकर आपने यहां तक का लिया रेडियस, और स्केल को यहां पर, इसको कंपास को रखा यहां पर, कंपास को यहां रखिए, कंपास को यहां रखकर एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे करके आपने एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 200 mm का डाया हो गया, क्योंकि 100 mm का हमने रेडियस लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको दिखानी है थिकनेस, इस पाइप की थिकनेस, इस पाइप की कितनी थिकनेस है, कितनी है 20 mm थिकनेस है ये हमने जो ली है, थिकनेस ऑफ स्टोन वेयर पाइप 20 mm, 20 mm का आपने 5 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 4 mm, तो 4 mm की आपने थिकनेस और ली, तो इसमें 4 mm और बढ़ा दीजिए, कितना 4 mm आपने और बढ़ा दिया, 4 mm और बढ़ा दीजिए, तो सॉरी स्केल को रखे यहां पर और 4 mm और बढ़ा के आपने एक सर्किल और ड्रॉ कर दिया, 4 mm और बढ़ाया और एक सर्किल और ड्रॉ किया आपने, ठीक है। अब ये देखिए, ये होगी आपकी स्टोनवेयर पाइप की थिकनेस, अब दिखानी है थिकनेस ऑफ सॉकेट, तो 4 mm और बढ़ा दो इसमें, 4 mm क्या करो, 4 mm और क्या करो, 4 mm और बढ़ा दो, तो 4 mm और बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहीं पर लीजिए, इसको रखा यहां पर और 4 mm और बढ़ाया इसमें और सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये सर्किल यहां पर ड्रॉ किया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है जो थिकनेस ऑफ स्टोन वेयर पाइप है, थिकनेस ऑफ स्टोन वेयर पाइप है, इसमें क्या कर दीजिए हैचिंग कर दीजिए, थिकनेस ऑफ स्टोन वेयर पाइप में हैचिंग कर दीजिए ऐसे, ठीक है, जिससे पता लगेगी स्टोन वेयर ये इसकी पाइप की थिकनेस है और वो सॉकेट की थिकनेस है, तो आपने इस प्रकार से हैचिंग कर दी, ठीक है, ऐसे हमने इसमें हैचिंग की, इस प्रकार से हैचिंग कर दीजिए, ये बस स्टोन वेयर पाइप में ही हैचिंग करनी है आपको, ठीक है, स्टोन वेयर पाइप में ही हैचिंग करनी है आपको यहां पर, ठीक है, ऐसा आपने क्या की हैचिंग की और इसको किया रफ, ठीक है, इसको किया आपने यहां पर रफ, बस सेंटर पॉइंट छोड़ दीजिए, इसको किया आपने रफ, ओके, ये थोड़ा सा रफ हो गया, ठीक। अब ये देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जो हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट तक स्केल को रखिए, इसको ऊपर से रफ कर दीजिए, इस साइड भी यहां से इसको रफ कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, इस यहां पर लो प्रकार कंपास आपने लिया और सेंटर पॉइंट पर यहां रखा, सेंटर पॉइंट पर यहां रखा और यहां तक की डिस्टेंस ली, लेने के बाद एक यहां पर हाफ रेडियस ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब ये आपने ड्रॉ किया, अब ये सारा का सारा आपका क्या है, इसमें ये है आपका पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीटिंग, तो इसमें पूरे में प्लेन सीमेंट कंक्रीटिंग शो कर दीजिए, ये आपने क्या किया शो, इसमें प्लेन सीमेंट कंक्रीटिंग यहां पर शो किया आपने, प्लेन सीमेंट कंक्रीटिंग
ऐसा डॉट डॉट कर दीजिए, ये आपकी प्लेन सीमेंट कंक्रीट है। इसमें क्या है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब देखो आप शो कर सकते हैं ये है इसकी विड्थ कितनी है, ये है आपकी बेस ऑफ विड्थ 533 mm, ये यहां से 100 mm, कितना है 100 mm, और ये क्या है, ये आपकी क्या है थिकनेस ऑफ सॉकेट कितनी 20 mm, और ये क्या है थिकनेस ऑफ SW पाइप 20 mm। यहां पर डाया दिखा दीजिए इसका, कितना डाया है 200 mm हाई, ठीक है। और ये इन्वर्ट लेवल शो कर दीजिए, इन्वर्ट लेवल यहां पर ये क्या है, यहां पर ये है इन्वर्ट लेवल, इन्वर्ट लेवल हो गया। और ये आपका क्या है PCC 1:4:8, 1:4:8 का PCC है। और ये आपने क्या बनाया, एक्स सेक्शन किसका, स्टोन वेयर पाइप इन केस, ठीक है, ये एक्स सेक्शन है स्टोन वेयर पाइप इन केस का, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से बनाना था, यहां से इन्वर्ट लेवल से इतना ऊपर उठाया हमने, ऐसे आपको यहां पर शो करके दिखाना था, और इसकी सारी की सारी जो डायमेंशन है वो आपको शो कर देनी थी, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, एक्स सेक्शन बनेगा स्टोन वेयर पाइप के इन केस का, ठीक है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने पर अच्छे से आने लगेगा और ये डिटेल आपको याद करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।